और अब दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती चारों तरफ से घिर गए हैं। घरेलू हिंसा के मामले में उन पर पहले से ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच दिल्ली में चल रहे एक पुराने मामले में फिर से खुलने से उनकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। मुश्किल दौर से गुजर रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक और जोर का झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने खिड़की एक्सटेंशन मामले में सोमनाथ की भूमिका की जांच को मंजूरी दे दी है। सोमनाथ पर दिल्ली की खिड़की एक्सटेंशन में रेड के दौरान अफ्रीकी मूल की महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद सोमनाथ पर पुलिस का दोतरफा फंदा पड़ना तय है। एक तो अफ्रीकी मूल की महिलाओं से बदसलूकी और दूसरी तरफ घरेलू हिंसा का मामला। पत्नी की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जो खारिज हो गई। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमनाथ को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आस है। सोमनाथ के वकीलों ने वहां भी अर्जी लगा दी है। पुलिस की नजर में सोमनाथ गायब है, फरार है। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस के रडार पर वो लोग हैं जो सोमनाथ के करीबी हैं। इसी कड़ी में बुधवार रात सोमनाथ के भाई लोकनाथ और बहन से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। होना चाहिए था, बिल्कुल साथ देना चाहिए था। जब मैं यहाँ पे साथ देने आई हूँ, हम लोग साथ देने आए हैं, पूरी फैमिली साथ में। हम चाहते हैं कि वो आकर फाइनल कर दें चीज़ों को। वो लॉयर हैं, अच्छी तरह कानून जानते हैं, उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ही नोस है ना। अगर वो जानते हैं तो जो डिसीजन ले रहे होंगे ठीक ले रहे होंगे। मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो गलत है। They asked me if I knew anything about his whereabouts. I don't know. Okay. Yeah. But you don't want to comment on what Lipika? No, I don't want to comment on that matter. और बदनामी ना हो इसके लिए सोमनाथ का परिवार भी चाहता है कि वो सरेंडर कर दे। उनकी अपनी पार्टी की भी यही राय है। केजरीवाल ने तो ट्वीट करके यहाँ तक कह दिया कि सोमनाथ सरेंडर ना करके पार्टी और परिवार की फजीहत कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल का ये बयान तब आया है जब काफी किरकिरी हो चुकी है। यही वजह है कि सोमनाथ की पत्नी लिपिका भी कह रही है कि केजरीवाल ने नसीहत देने में देर कर दी। दिल्ली असेंबली में भारती जी को ये भार दिया पार्टी की तरफ से कि वो पार्टी का प्लान बताए वुमन की सुरक्षा के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर। वो भी बहुत ही आयरनिकल था। और उसके बाद भारती जी को सम्मानित भी किया गया, तो उसमें तो यही दर्शाता है कि पार्टी उनके साथ थी। और आज अगर ये बोल रहे हैं अरविंद जी, तो मैं शुक्रगुजार हूं कि चाहिए कि 3.5 महीने के बाद ही एटलीस्ट उन्होंने ये नोटिस तो किया है। सोमनाथ वकील है, इसलिए कानूनी दांव पेच आजमा कर वो गिरफ्तारी टालने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कानून के तमाम दूसरे जानकार बताते हैं कि उनकी अर्जी जब पहले लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद बेहद कम है। अभिमन्यु शर्मा के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया TV, दिल्ली।